can say we are supporting Modi ji because he says make in India. So what we thought is if you have better machines, many of our people will be able to produce more and more lamps in India. India has huge requirement for LED bulbs, which we are importing as of today. इस मिशन के आ जाने के बाद ही अब लोग यहाँ पे ही काफी सारा प्रोडक्शन निकाल पाए. So see the machine. It is pneumatic driven, air pressure पे चलता है. यहाँ से ये मशीन है. यहाँ में इतने ऑपरेशन सिंपल कर दिए गए हैं कि अगर आप बल्ब के अंदर ड्राइवर खाली प्लेस कर देते हैं, ये ड्राइवर है जो सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक की, ये अगर इसमें प्लेस कर देते हैं और उसके बाद उसे यहाँ अगर रख दिया जाता है तो उसके बाद में जो है वो फंक्शंस अपने आप ऑटोमेटिकली करता है. यहाँ मैनुअल एरर का स्कोप निकल जाता है क्योंकि फुली ऑटोमेटिक है. ये मैनिपुलेटर है जो अपने आप बल्ब को उठाता है और उसको अंदर ले जाएगा. अभी ये बल्ब उठाता है, ये उसे वहाँ पे प्लेस कर दिया मेन रिंग के ऊपर. उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो सेंसर है यहाँ पे हर एक जगह पे इंस्पेक्शन हो रहा है. ये सेंसर उसकी पोजीशन डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके आगे के प्रोसेस के लिए उसकी पोजीशन सही होनी चाहिए. अब वो पोजीशन उसने सही कर दिया एंड नाउ देयर उसके पीछे ये हीटिंग वाला पार्ट लगाया जाता है जो LED के नीचे लगता है, PCB के नीचे वो पार्ट वहाँ पे प्रेस फिट होता है. उसके बाद वो आगे जाता है, वापस हीटिंग होता है और फिर उसके ऊपर ये हीट सिंक के ऊपर में ग्लू लगाया जाता है जिससे कि PCB उसके ऊपर चिपकाई है. उसके बाद में अगर दिक्कत होगा तो वो इस साइड में रख देगा और लेकर इसी प्रोसेस से वो बाहर आता है और फिर वो आगे चलता है. जब वो आगे चल के यहाँ पे आ जाता है तो इस तरह की PCB जिसके ऊपर LED लगी होती है और कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ LED लगती हैं, ये पीछे एक आदमी वहाँ पे माउंट करता है और उसके बाद में यहाँ से मशीन उसको लेता है. जो पीछे से जो पीस आया है वो ये मशीन यहाँ से उठाता है और यहाँ पे वापस PCD कैमरा यहाँ पे डिटेक्ट करता है. डिटेक्ट करके उसकी पोजीशन करके ये जो प्लेस है ये PCB को प्लेस करता है वहाँ पे. अच्छा, प्लेस करने के बाद वापस डिटेक्ट करता है कि इसके होल बॉडी के साथ मैचिंग है कि नहीं. अच्छा, यहाँ पे मैचिंग है कि नहीं. उसके बाद वो न्यूमेटिक जो स्क्रू ड्राइवर है इस तरह से वो जस्ट कम दिस साइड, दैट इज द न्यूमेटिक स्क्रू ड्राइवर विच इज स्क्रूइंग द PCB टू द बोर्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू रिमूव द हीट, यहाँ से गर्मी निकालनी जरूरी होती है. If you have the screw, it will show a very good function. Here, we screw this here. So if this is tight, then heat gets transferred very fast. From there, it will come out. The defective one will be thrown out by the machine. It will be inspecting and throwing out. The good one goes that way. And then once it comes here, then it will go this way. Iske baad mein ye machine aati hai. इस मशीन में ये B22 कैप है, हमारे इंडिया में यही होल्डर चलता है. हाँ. तो इसके लिए होल्डर वहाँ भर दिए गए हैं. अच्छा. उस मशीन में वो ऑटोमेटिकली वहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ ये अपने आप को डिटेक्ट करेगा उसके पोजीशन डिटेक्ट करने के बाद में वो उसके ऊपर में कैप पहनेगा. इस प्रोसेस में उसको उल्टा कर दिया. अच्छा, उल्टा हो गया, उल्टा हो के यहाँ पे आया और यहाँ पे वो इस पोजीशन में आ गया. अच्छा. इस पोजीशन में आने के बाद ये जो दो प्लेस है ये फंक्शंस में एक वायर को सीधा करता है और दूसरा वायर को रिक्वायर्ड लेवल पे कट करता है. ओके. उसके बाद जाके वायर ये कैप इसके ऊपर इंसर्ट होता है. ओके. इंसर्ट होने के बाद इट विल गो देयर, इट विल डिटेक्ट कि बराबर हुआ है कि वायर बाहर तो लेवल कट कर लेगा और कट होके यहाँ से बाहर आएगा. एंड देन इफ यू सी हियर, यहाँ आने के बाद में ये रिविटिंग. अच्छा. ये कॉन्टेक्स्ट के लिए ज़रूरी होता है हमारे यहाँ पे. यहाँ पे वापस पोजीशन डिटेक्ट करेगा, आगे जाएगा, ये जो आप पाइप देख रहे हैं इसमें ये रिवर्ट आएगा. So that is the dispenser that is
दैट इज डिस्पेंसर और रिबिट. सो ये रिबिट जो है उसमें से आएगी, वो वहाँ पे उसको डिटेक्ट करेगा, प्रेस करेंगे, वहाँ प्रेस करके वहाँ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर चेक करेंगे, अगर बराबर है तो ये फाइनल प्रेस करेंगे. ऐसा दिखाई. उसके बाद जब यहाँ पे आता है तो ये उसको वापस सीधा सीधा करने के बाद में यहाँ पे ये कैप बैठा है बल्ब के ऊपर में, इस तरह का बल्ब है और इसके ऊपर ये कैप लगता है. दिस इज व्हाट शुड हैपन. इसके लिए यहाँ डिटेक्ट करके वो जो फंक्शन है वो इस पोजीशन में ग्लूइंग करता है. ग्लूइंग हियर इन दिस कॉर्नर, वो वहाँ ग्लू करेगा. उसके बाद उस ऑटोमेटिक से वहाँ से बल्ब आ रहा है, ये शेल आ रहा है, कैप कैप और कैप, वो कैप आ रही है वहाँ, वो कैप को वहाँ पर उठा के प्लेस करेगा वैक्यूम से, और वो प्लेस करने के बाद यहाँ पे प्रेस करेगा. प्रेस करने के बाद ये उसको मैनिपुलेशन उठा के यहाँ से प्रोडक्शन बाहर. यहाँ इतना ही होता है, मालूम पड़ता है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट करोड़ों में है. ऑटोमेशन इज अ मस्ट, वी नीड टू ऑटोमेट सो दैट वी रिमूव द मैनुअल एरर एंड वी गिव फास्टर प्रोडक्शन, अदरवाइज लेबर इज ऑल्सो ए कंस्ट्रेंट इन मेनी. दिस इज वेरी परफेक्ट, वेरी अप्रोप्रिएट मशीन फॉर दैट. दिस इज ट्रिमेंडस पोटेंशियल.